अफगानिस्तान से लाताल्लुकी तबाह कुन हो सकती है, जंगजदा मुल्क को तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं, उम्मीद है आलमी बरादरी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ की भी शिरकत। शुरका का पड़ोसी मुल्क में हंगामी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, अफगान अवाम की मुश्किलात उजागर करने से मुतल्लिक इकदामात पर गौर, सानिहा सियालकोट जैसे वाकयात रोकने से मुतल्लिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत। महंगाई की तकलीफ सहते आवाम के लिए जरा सा रिलीफ, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता, लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए 1 पैसे कम कर दी गई, इतलाक रात 12 बजे होगा। इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था, वहाँ जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जो इनका सरपरस्त था वो सदर पाकिस्तान था, हमने वो कड़वा घूंट पिया। सिंध में सियासी लड़ाई पारा हाई, एमकेएम 2008 में धमकियां देकर हुकूमत का हिस्सा बनी, ताजिरों को धमकाया गया था कि इक्तदार में शामिल ना किया गया तो कारोबार नहीं करने देंगे, पीपल्स पार्टी ने मजबूरन कड़वा घूंट पिया। सईद गनी के इल्जाम, मुत्तहिदा कराची की खैर खा नहीं, सूबाई वजीर इत्तला की कराची में गुफ्तगू। साहब जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं, आप हमसे क्या मुकाबला करोगे? जब से पीपुल्स पार्टी बनी है ये वडेरा गैंग बना है, जब से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, आप वो वडेरा गैंग हो जो अपनी कौम के भी हुकूक गश्त कर रहे हो। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर इस कानून को पास कराया, हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। लिसानियत हम नहीं आप फैला रहे हैं, पीपल्स पार्टी वडेरा गैंग, बल्दियाती तरमीमी बिल काला कानून है। बिलावल साहब जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेल काटी है, पीपी शुरू से ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ, भागने नहीं देंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। आमिर खान की कराची में ललकार, एमकेएम की लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के खिलाफ रैली, खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। ये ऐवान तारीख साज सिंध असम्बली में वजीर आला मुराद अली शाह के नफरत अंगेज तासुब और धमकी पर मुबनी बयान की मजम्मत करता है। हम ये मुतालबा करते हैं कि वजीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में आकर अपना नफरत अंगेज बयान वापस लें। ये सिर्फ एक करारदाद नहीं है मुराद अली शाह साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। असेंबली में की गई तकरीर नफरत अंगेज करार, तहरीक इंसाफ वजीर आला सिंध के खिलाफ करारदाद ले आई, बयान वापस लेने, ऐवान से माजरत करने का मुतालबा, इकदाम मजबूरन उठाना पड़ा। मुराद अली शाह लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुरम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली महदुल शेख ने वजीर आला सिंध को फेडरेशन के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। सिंध में एक वो हुकूमत है जिसका ईमान दीन सिर्फ कमीशन से शुरू होकर करप्शन पे खत्म होता है, और अब वो जब कोई करप्शन को बेनकाब करे, उनको बेनकाब करे तो वो धमकियां देते हैं। मुराद अली शाह सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं फेडरेशन के खिलाफ। पूरा सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें और पूरा सिंध इकट्ठा हो चुका है इस काले कानून के खिलाफ, और इंशाल्लाह हम भरपूर 19 तारीख को बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं पूरे सिंध में। शहबाज गिल को खिफत का सामना, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वकेशन, समनाबाद कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया का वजीर आजम के मुआवने खुसूसी से पीएचडी की डिग्री लेने से इनकार, शहबाज गिल मेहमान खुसूसी बनने के अहल नहीं, खातून का ट्वीट। मुल्क में जमहूरियत है, हर एक को अपनी मर्जी का हक हासिल, डिग्री लेने से इनकार करने वाली खातून ख्वाजा साद रफीक की रिश्तेदार है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल का मौकिफ, मकाफात अमल इसी का नाम है, अजमा बुखारी का रद्द अमल।
मौसम सरमा की तातीलात कब होंगी? एनसीओसी के ऐलान के बावजूद इबहाम, जनवरी के आखिर में छुट्टियों का फैसला हो गया, तारीख सामने ना आ सकी, तलबा और वालिदैन परेशान। मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म, एचईसी पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे, यकसा पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट दिए जाएंगे, पास होने वालों को मुस्तकिल कर दिया जाएगा, हुकूमत की अदालत में तजवीज। भांग हीरोइन से कम खतरनाक नशा, बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है, अब तो हुकूमती पॉलिसी भी बन चुकी, सजा अलग की जा रही है तो ये खुश आइंद है। मुनशियात के मुलजिमों की सजाओं के हवाले से केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। धुंध ने हर चीज छुपा ली, कई मकामात पर हद निगाह ना होने के बराबर, मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद, लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, कलात में पारा -9, ज़ियारत -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया, आजाद कश्मीर और गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर में मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 तक पहुंच गया, शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुबतला, फसलों की बाकियां जलाने पर कई शहरों में पकड़ धकड़, मुकदमा दर्ज। पंजाब असेंबली के हलका 206 में जिमनी इलेक्शन, खानेवाल में कल मैदान लगेगा, इंतजामात मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया, पीपी उम्मीदवार सैयद मीर वासिक के घर पर हमला, लीगी रहनुमा तारण समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मतवालों ने हिफाजती जमानत करा ली। स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सेवान में पेश, मुतालिका कमेटी से 2 माह में रिपोर्ट तलब, अशिया जरूरिया की कीमतों पर सट्टेबाजी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया गया। जुनेद सफदर की शादी, फयाजुल हसन चौहान मिठाई लेकर पंजाब असेंबली पहुंच गए, अजमा बुखारी को टेलीफोन करके मुबारकबाद, मुंह मीठा कराने की ख्वाहिश का भी इजहार। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की, कभी बनी गाला के अखराजात के लिए 1 रुपया नहीं अदा किया, जहांगीर तरीन का ट्वीट। जस्टिस वजी साहब को तो शायद ये भी नहीं पता होगा प्राइम मिनिस्टर साहब की ऊपर रिहाइश कितनी बड़ी है, कितनी है, और जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो 30 से 50 लाख देते थे, वो ऑलरेडी आज ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि ये झूठ बोला है। तो अब पार्टी सोच रही है जस्टिस विजयोद्दीन को पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे, खुदारा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी बातें ना करें। इमरान खान को सब जानते हैं, वो तो किसी को तीसरा बिस्किट नहीं उठाने देते, उनके घर का खर्चा 30 लाख कैसे होगा, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जमात आयद किए, पार्टी लीगल नोटिस भिजवाएगी, शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुकदमात की मौसर पैरवी से 4 साल में 1,194 मुलजमान को सजा हुई, नैब इनको भी कचहरी में लाया जिन्हें माजी में कोई पूछ भी नहीं सकता था, चेयरमैन जावेद इकबाल का कारकर्दगी जायजा इजलास से खिताब। सरदार एजाज इसहाक खान और अरबाब मोहम्मद ताहिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात, सदर मुमलिकत ने समन इम्तियाज की बतौर जज तैनाती की मंजूरी भी दे दी।
कराची में पोलियो मुहिम के दौरान झगड़ा, शहीदियों की जानिब से कतरे पिलाने से इनकार पर तूतकार, पुलिस अहलकार ने फायरिंग कर दी, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। औरंगी टाउन जाली मुकाबला केस, एसएचओ आजम गोपांग का 19 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर, मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले अरसलान के लवाहिकीन का एहतजाज, कराची में नॉर्थर्न बाईपास ब्लॉक। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तीसरे टी20 में कल आमने सामने होंगे, बाबर 11 जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुराज़म, कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। और नेशनल स्टेडियम कराची में ओल्ड इज गोल्ड की मिसाल सच साबित, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम का दिन, हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने बाबर आजम को एक ओवर में 12 रन बनाने का चैलेंज दिया, कौमी कप्तान नाकाम।